Good morning, dear kids. So as you know that we have completed till this divide. जो आपको देवनागरी स्क्रिप्ट में करने थे ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में समझा दिए हैं. Now we will solve the word problem. ये word problem जैसे हमने मल्टीप्लेक्स वाला वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसी तरीके से ये डिवाइडेशन वाला वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें भी हमको लैंग्वेज मेंशन करना है. सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3. सो जस्ट फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. छाया बॉट 20 कॉपीज फॉर 360 रुपीज. छाया ने 20 कॉपी खरीदी 360 रुपीज के अंदर. नाउ स्टेट द कॉस्ट ऑफ वन कॉपी. जैसा कि मैंने आपको मल्टीप्लाई में सिखाया था कि एक चीज का कॉस्टिंग दिया हुआ और ज्यादा चीज का फाइंड करना हो तब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं. उसी तरीके से अगर ज्यादा चीज का दिया हुआ हो और एक चीज का फाइंड करना हो तो हम लोग डिवाइड करते हैं. अब यहाँ पे हम लोग 360 को 20 से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे वन कॉपी इज इक्वल टू 20 रुपीज. वन कॉपी का हमें फाइंड करना है. ओके 20 कॉपीज कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 360 और वन कॉपी का हमें फाइंड करना है. तो यहां पे अब हम लोग डिवाइड करेंगे 360 को 20 के साथ. तो यहां पे हम लोग 20 का टेबल बोलेंगे. 20 का टेबल बोलेंगे तो 21 जा 20, 22 जा 40. तो यहां पे 40 जो है वो 36 से बड़ा हो जाएगा इसलिए हम लोग करेंगे 21 जा 20. सो 6 3 में से 2 गया 1. नाउ पुट द जीरो हियर. अभी हम लोग 20 का टेबल बोलेंगे तो अगर हम लोग 20 का टेबल बोलते हैं तो 28 जा होता है 160. ओके तो यहां पे हम लोग 28 जा लिखेंगे 160. सो द रिमाइंडर विल बी 0 एंड द आंसर विल बी 18. सो कॉस्ट ऑफ वन कॉपी इज इक्वल टू 18 रुपीज. इस तरीके से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ओके सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम. जस्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. धीरज हैव 864 बनानास. स्टेट हाउ मेनी डजन बनाना ही हैज. उसके पास 864 बनानास है तो कितने डजन बनाना है, कितने दर्जन बनाना है उसके पास, ये हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि वन डजन इज इक्वल टू 12 बनानास. एक डजन में कितने बनाना होते हैं, 12 बनानास. टोटल बनाना कितने है उसके पास, 864. तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टोटल बनानास 864. तो अगर हम लोग 864 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो उसके पास कितने डजन बनाना है वो हमें मिल जाएगा. सो नाउ वी विल डिवाइड 864 विद 12. अब हम लोग अगर 12 का टेबल बोलते हैं तो 12 7 जा करते हैं अगर हम लोग तो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 प्लस 1 8. 12 7 जा हो जाएगा 84. तो ये हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं क्योंकि 86 से 84 कैसा है, छोटा है. बेटा यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया टेबल का होना चाहिए कि 12 5 जा कहाँ तक आएगा, 12 6 जा कहाँ तक आएगा. या तो फिर आप पूरी टेबल यहाँ पे मेंशन करो या फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई करके टेबल फाइंड कर सकते हो. सो 12 7 जा 84. यहाँ पे माइनस करते हैं, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 8 गया 0. नाउ वी विल पुट दिस 4 हियर. अभी 12 के टेबल में 24 कब आता है, 12 टू जा, वेरी गुड. सो 12 टू जा 24. सो द रिमाइंडर विल बी 0 एंड द आंसर विल बी 72. सो उसके पास कितने डजन बनाना है, सो धीरज हैज 72 डजन ऑफ बनाना. ओके तो इट मीन्स हमको ये पता चला कि धीरज के पास 72 डजन बनाना है. अब उसी के अकॉर्डिंग ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये आप घर से सॉल्व करोगे. ये मैं आपको होमवर्क में डाल रही हूं, एक बार आप रीड करो इसको. इफ 702 पीपल कैन सीट इन 27 बसेस, 27 बस के अंदर 702 पीपल बैठ सकते हैं, देन स्टेट हाउ मेनी पीपल कैन सीट इन अ वन बस. एक बस में कितने लोग बैठ सकते हैं. तो जैसा कि आपको पहले भी बताया अगर ज्यादा का दिया हुआ हो और कम का फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड. तो यहाँ पे 702 का 27 से डिवाइड करके आपको ये फाइंड करना है कि एक बस में कितने लोग बैठ सकते हैं. ओके चलो अभी 6 वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं. ओमकार हैज रुपीज 400, उसके पास 400 रुपीज है ओमकार के पास. इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ इज रुपीज 30, अगर 1 मीटर क्लोथ का 30 रुपीज है देन हाउ मच क्लोथ ही कैन बॉट
एंड हाउ मच मनी रिमेन्स लेफ्ट विद हिम. अगर एक मीटर क्लोथ का 30 रुपीज है तो वो टोटल कितना मीटर क्लोथ खरीद सकता है और कितना मनी उसके पास बाकी रहेगा. तो हम लोग ये सॉल्व करेंगे कि 400 को पहले हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे. ओके तो यहां पर पहले हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. 1 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू रुपीज 30. एक मीटर का इतना पैसा है. अब टोटल उसके पास मनी कितना है? 400 रुपीज. तो कहने का मतलब 400 रुपीज में वो कितना मीटर कपड़ा खरीद सकता है और कितने पैसे उसके पास बचेंगे. तो हम लोग क्या करेंगे, 400 का 30 से डिवाइड करेंगे. तो यहां पे दो डिजिट को चेक करना है पहले. तो क्या होगा, 31 जा 30, क्योंकि 32 जा तो 60 हो जाएगा. तो यहां पे बचेगा 10 इस जीरो को नीचे. अब हम लोग अगर 30 का टेबल बोलते हैं तो 33 जा आएगा 90. तो यहां पे क्या हो जाएगा, 33 जा 90 और पीछे बचा 10. तो ये जो 10 रुपीज है वो इसके पास बच गए और उसके बाद वो 13 मीटर क्लोथ खरीद सकता है. तो यहां पे लास्ट में हम लिखेंगे, सो ओमकार कैन बाय 13 मीटर्स ऑफ क्लोथ एंड 10 रुपीज विल लेफ्ट. अगर वो 13 मीटर कपड़ा खरीदता है तो उसके पास कितने रुपए बच जाएंगे, 10 रुपए. तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 ये सारे सॉल्व करने की कोशिश करोगे. मैं आपको जब इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगी तब आप अपने आंसर को उसके साथ क्रॉस चेक करें.